गुड मॉर्निंग, कैसे हो भाई? और कर रहे हो बराबर काम? आज से नया सत्र स्टार्ट हो गया है। 7 जून 2021 से नई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आज से अपन का नया सत्र शुरू हो गया। तो आप एडमिशन करा सकते हो। यदि अभिभावक मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो अपने बच्चों का कल से आप श्री बीएल मेमोरियल एकेडमी में स्वागत है आपका। एडमिशन करवा सकते हो। एडमिशन शुरू हो गया, नया सत्र शुरू हो गया है और अपन की क्लास से कंटिन्यू चली रही है। और बाकी वाले स्टाफ का भी वीडियो रिकॉर्ड होने जा रहा है, तो 1-2 दिन के अंदर उनका भी वीडियो आपके सामने आ जाएगा सब सब्जेक्ट का। तो आज से उनका वीडियो रिकॉर्ड स्टार्ट हो गया है, तो 1-2 दिन के अंदर उनकी भी क्लास आपके साथ होने लग जाएगी, डेली का रूटीन आ जाएगा। तो नया एडमिशन, नया सत्र और पढ़ाई का शुभारंभ आज से लमसम सभी स्कूलों में स्टार्ट हो जाएगा। तो आप बैठे नहीं रहे, जुड़े रहें। एक सपना होना चाहिए, सपना वो नहीं जो सोने पे आता है, सपना ऐसा होना चाहिए प्रिय विद्यार्थियों और अभिभावकों, सोने नहीं देना चाहिए। सपना ऐसा हो कि रात में नींद ही नहीं आए, ऐसा सपना होना चाहिए। हम सपना क्या करते हैं, नींद आने के बाद लेते हैं, वो सपना कोई काम का नहीं है। सपना ऐसा रखो जिंदगी में कि जब तक अपन का वो टारगेट पूरा नहीं हुए, सपना वो होना चाहिए। सोने पे सपना आते हैं वो बेकार के सपने होते हैं, वो सपना नहीं रखना अपन को। अपन को सपना ऐसा रखें कि जब तक टारगेट और अपन को उस पोस्ट पे नहीं पहुंचे तब तक सोने नहीं देना चाहिए, सपना ऐसा रखना चाहिए। तो आज अपन टॉपिक लेकर आए हैं मल्टीप्लाई, कुछ मल्टीप्लाई कराएंगे। हालांकि ऐसे मल्टीप्लाई हमने किए थे लेकिन वो छोटे डिजिट के थे, तो आज बड़ा टॉपिक लेकर आया हूँ। बड़े डिजिट का कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, छोटा का तो फिर भी अपन डायरेक्टली नहीं कर रहे, तो मेथड से भी करे तो कर सकते थे, लेकिन आज ऐसा है कि इसमें बहुत वक्त लगेगा, लेकिन हम उसको डायरेक्ट मेथड से, जिससे हमारा टाइम बचत हो सके और कैलकुलेशन मस्त बन सके अपन की, उस टॉपिक को आज अपन कराने जा रहे हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही मजेदार है और सेकेंडों में उसका आंसर आप पता कर लोगे कि इसका आंसर आएगा ये, और नहीं तो कैलकुलेटर फेल हो जाता है। और आप ये लगातार मेरी क्लास से देखने लग गए और करने लगे तो कैलकुलेशन इतनी आसान बन जाएगी कि मार्केट में कैलकुलेटर बिकना बंद हो जाएगा, कोई जरूरत ही नहीं रहेगी, इतना माइंड तगड़ा काम करेगा आपका। तो आज देखिए अपन टॉपिक लेकर आए हैं मल्टीप्लाई, इसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखते रहिए। हमने किया था इस टाइप का, किया था हमने, कहा था 2 × 99 को तो किया था, तो मैंने कहा था 2 को आप इस 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मैंने कहा था होता है 18, और 20 में ये जो 9 बच गया वो लिखते थे इस तरह से। इसी तरह से हमने कहा था कि 3 × 99 हो, ये भी करा रखा है, तो कहा था कि इस को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये होता है 27, 9 3 जा और 20 में ये जो 9 बच गया वो लिख देते थे। या एक मेथड मैंने और भी कराया था, जैसे देखिए 2 को मल्टीप्लाई करना 99, जैसे मैंने कहा था यहां से ये कम कर दीजिए तो 1 हो जाएगा, ऑब्लिक करिए और इसमें से ये जो है वो घटाइए तो ये 1, ये 98 हो जाएगा, ये 198 आएगा। तो देखिए इसका आंसर सेम है। इस तरह से डबल मेथड में मैंने इसको करा रखा है, लेकिन आज इतने बड़े डिजिट है देखिए उनका कैसे करेंगे, ये तो सिंपली आप ऐसे ही मल्टीप्लाई करते कर सकते थे, लेकिन आज हम बड़ा टॉपिक लेके आए हैं कि इनका कैसे करें। और बड़े बड़े एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कंपिटिशन एग्जाम फाइट करते हैं तो इस टोटल नहीं आएगा, ऐसा आएगा, तो आज ये कंपिटिशन एग्जाम के लाइव के क्वेश्चन करा रहा हूं, ध्यान से सुनिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए और साथ में करते रहिए। इसको कैसे करेंगे देखिए, सॉल्व करते समय क्या करना होगा अपन को, 7 3 को 99 से देखिए डिजिट सेम है, इधर 2 है उधर भी 2 है। जब आपको बताया कि 2 डिजिट का 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करता है इस तरह से तो 4 आता है, तो इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 डिजिट आएगा, कितना आएगा,
फोर आएगा, ये माइंड में होना सही है। तो 73 को डबल 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 डिजिट आना है, और वो कैसे आएंगे देखिए। इसमें से एक कम कर दीजिए, 73 में से 1 लेस कीजिए तो रहेगा 72। और यहां पे 2 डिजिट और आएंगे, मैंने अभी कहा था 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आते हैं, तो यहां पे ये 2 और ये 2 तो 4 डिजिट आएगा। अब यहां क्या आएगा और यहां क्या आएगा वो देखिए, यहां 7 है, 7 में कितना ऐड करें कि 9 हो जाए, बस ये 2 डिजिट इनका काम हमने कर लिया, एक कम कर लिया। अब इनसे इनका मल्टीप्लाई करना है, तो ये 9 दिख रहा है तो 7 में क्या ऐड करें कि 9 हो जाए, तो हमें 2 करना पड़ेगा। फिर इस 2 में कितना ऐड करें कि ये 9 हो जाए, तो 7 करना पड़ेगा। तो इसी तरह से देखिए ये क्वेश्चन पूरा हो गया, और ये आंसर आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, और ये लाइनें हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन का ये आंसर आ गया। इसी तरह से देखिए इसका सॉल्यूशन करोगे आप तो क्या मिलेगा, पहले तो 1 कम करिए इससे, 7 8 6 की जगह हो जाएगा 5, बस 1 लेस करना इसमें से, जैसे यहाँ 73 तो 1 लेस किया 72, इसी तरह से इसमें 70 85 हो जाएगा 86 की जगह। और फिर 3 डिजिट आएंगे, देखिए 3 डिजिट है, 3 डिजिट है ये, तो यहाँ पे 3 संख्या आएगी। देखिए क्या करना पड़ेगा, 7 में कितना ऐड करें कि 9 हो जाए, तो 2 करेंगे तो 9 हो जाएगा। 8 में कितना ऐड करें कि 9 हो जाए, तो 1 करना पड़ेगा। 5 में कितना ऐड करें कि 9 हो जाए, तो 4, बस ये आंसर आ गया। इतना तेज कैलकुलेटर नहीं कर पाएगा, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मस्त रहिए। देखिए यहां पे 5 डिजिट है, इधर भी 5 डिजिट है, सेम डिजिट का सेम डिजिट से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 5 डिजिट इधर है तो 5 इधर है, इधर देखिए 3 थे तो इधर भी 3, इधर 2 थे तो इधर भी 2, तो देखिए इसमें से 1 कम करें तो 5 6 3 2 एंड 2 आएगा, 3 की जगह 1 लेस कर दीजिए। और यहां पे भी 5 डिजिट आएगा, 1 2 3 4 एंड 5, देखिए 5 में कितना ऐड करें कि 9 हो जाए, तो 4 लिखना होगा। फिर 6 में कितना करें तो 3, 3 में कितना करें 6, 2 में कितना करें कि 9, 7, और फिर 2 में कितना 7। देखिए आंसर मोबाइल नंबर नहीं है, ये आंसर है सवाल का मल्टीप्लाई का। इसी तरह देखिए फोर्थ वाला, यहां 4 डिजिट है, उधर भी 4 डिजिट है, तो इसमें से तो एक कम करके लिखना 8 5 4 5, 1 लेस हो गया ना। और फिर 4 डिजिट आएगा इधर 9, 8 में कितना ऐड करें कि 9 हो जाए, तो 1, 5 में कितना ऐड करें कि 9 हो जाए, बस इसको 9 बनाना कहने का मतलब है, तो 4, 4 में तो 5 और 5 में 4, बस 9 बनना सही है ये वाला। इसी तरह से ये कंप्लीट हो गया, देखिए ये आंसर है, एक लाइन का आंसर आ रहा है, इतने बड़े का नहीं तो पूरा बोर्ड भरता। नहीं नहीं टेक्नोलॉजी काम में ले रहे हैं, आपके लिए सौभाग्य है आपका कि इतने बड़े सवाल इतने शॉर्ट ट्रिक के साथ कर रहे हो। देखिए ये 4 टाइम 9 और 4 टाइम 9 लेस करना कितना इसमें से, 1 तो 99, फिर 9 8, फिर कितना डिजिट 4 डिजिट आएगा, कितने 4, और वो 4 क्या आएंगे देखिए, 9 में कितना ऐड करें कि 9 हो जाए, तो 0 लिखना होगा, फिर 9 में कितना 0 लिखना होगा, फिर 9 में कितना 0, क्योंकि 9 तो है, ऐड करने की जरूरत नहीं है। और इस 8 में कितना ऐड करें कि 9 हो जाए, तो 1, बस हो गया। 1 सेकेंड, 5 सेकंड में करने वाले पीछे रह जाएंगे, आपको 1 सेकंड 2 सेकंड ज्यादा से ज्यादा 3 सेकंड तक क्वेश्चन का आंसर आना सही है, ऐसा तो 1 मिनट में हर कोई इसको कर लेगा, लेकिन वो काम नहीं करेगा, पीछे रह जाओगे। देखिए इसमें से 1 लेस करें, 7 4 39 हो जाएगा ये, क्योंकि ये 40 है, 1 लेस करोगे तो 39 हो जाएगा, 4 डिजिट है तो 4 और आएंगे,
देख लीजिए, सेवन में क्या ऐड करना है कि नाइन ऐड करना है, मल्टीप्लाई में ऐड करना है तो मल्टीप्लाई का आंसर आ रहा है। सेवन में कितना ऐड करें कि नाइन हो जाए तो टू, फोर में कितना ऐड करें नाइन हो जाए तो फाइव, थ्री में कितना है तो सिक्स, और टू नाइन में कितना तो जीरो। बस ये आ गया, ये नाइन है ध्यान रखना। तो सेवन में टू ऐड करते हैं, फोर में फाइव करते हैं, थ्री में सिक्स करते हैं, और नाइन में कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है तो जीरो लिख देंगे। इसी तरह से ये वाला देखिए, फाइव सिक्स थ्री टू थ्री, और ये फाइव टाइम नाइन, फाइव इधर है तो फाइव उधर भी है डिजिट, इसमें से वन लेस करके लिख दो। अरे लिख दोगे ना, ये थ्री ये टू और ये टू, फाइव डिजिट आएंगे यहां पे, वन टू थ्री फोर फाइव। देखिए नाइन या फाइव है तो क्या करना है कि नाइन बन जाए, कितना ऐड करें फाइव में तो फोर, सिक्स में थ्री करना होता है और थ्री में सिक्स करना होता है और टू में सेवन करना होता है और फिर टू में सेवन करना होता है, बस नाइन बनना सही है, ये इसका आंसर है। तो इस तरह से कितना भी बड़ा मल्टीप्लाई हो तो ऐसा ही एग्जाम में आता है, तो इसको अपन आराम से कर सकते। इसके बाद देखिए आगे, रफ कर रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मल्टीप्लाई का टॉपिक कितना आसान है देखिए, देखते ही घबरा जाते हैं लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ही घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए थोड़ा सा अलग है, पहला क्वेश्चन देखिए इस टाइप का है, 72 99 ना, ओके 999 है, तो इसको कैसे करोगे। देखिए प्रॉब्लम हमारे पास ये खड़ी हो गई कि अब इधर टू डिजिट है उधर थ्री है, कॉम्बिनेशन नहीं है। अभी जब जितने भी सवाल किए थे हमने उसमें इधर डिजिट उधर डिजिट सेम थे, सेम डिजिट का मल्टीप्लाई किया था। अब इधर कितना है टू, उधर कितना है थ्री, तो ऐसे में क्या किया जाएगा वो देखिए। थोड़ा सा ये अलग है, ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा माइंड में रख दिया तो जिंदगी भर ये मैथमेटिक्स आपका साथ देगी। यहां पे हमको लिखना है वही वन कम, बस फिर यहां पे तीन डिजिट आएंगे, कितना आएंगे थ्री आएंगे, इसमें से वन कम करके लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए एक नाइन यहां जो बचेगा ना उसको बीस में डाल दीजिए इस तरह से, और दो जो नाइन रहे ना इनका इसके साथ लिंक बटाइए। सेवन में कितना ऐड करें कि नाइन हो जाए तो टू, फिर वन में कितना करें कि नाइन हो जाए एट, बस ये आंसर आ गया इसका। समझ में आई मेरी बात? नहीं आई, कुछ भी नहीं करना है, पहले तो वन कम करके लिख दो, फिर यहां दो है तो दो नाइन तो रहने दो, एक नाइन बचेगा वो बीस में रख दिया, और यहां 28 कहां से आया, इस नाइन में कितना ऐड करें इस सेवन में कि नाइन बन जाए तो टू, इस वन में कितना ऐड करें कि नाइन बन जाए एट, बस। इसके बाद देखिए सेकेंड, 86 को मल्टीप्लाई करना अपन को ट्रिपल नाइन से, देख लीजिए ट्रिपल नाइन, वही कंडीशन है, यहां टू डिजिट वहां थ्री डिजिट। हमारा क्या रहेगा सॉल्व करते समय, यहां वन कम करिए तो 85, फिर देखिए यहां पे दो डिजिट है, एक डिजिट इधर से रहेगा कौन नाइन, वो पीछे वाला यहां लिख दो, उसके बाद दो डिजिट और आएंगे, इसका कॉम्बिनेशन लगे, एट में क्या ऐड करें कि नाइन हो जाए तो वन, फाइव में क्या करें कि नाइन हो जाए फोर, बस ये आंसर। है ना आसान?
साईं जी देखे होंगे आज तक ऐसे? नहीं देखे हैं तो अब पीछे मत रहना, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। आज का दिन गया, कल वाला गया, आज वापस थोड़ी आएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप काम करते रहिए, डेली जुटते रहे। यार मेरा यदि ये वीडियो जो आपको समझ में आता तो ही लाइक करें, नहीं तो लाइक करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आता तो आता, आता फिर उसमें कंजूसी मत करना। देखिए इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, सेवन थ्री सिक्स और फोर टाइम नाइन है, 1 2 3 एंड फोर टाइम नाइन। देखिए कॉम्बिनेशन इधर 3 डिजिट उधर 4 डिजिट, तो आपको क्या करना है, यहां से 1 पहले तो लेस करके लिख दो, 7 35। उसके बाद देखिए 3 डिजिट है उधर 4 है, 1 9 तो आएगा ही आएगा, वो 20 में लिख दीजिए। और उसके बाद 3 डिजिट आएंगे, उनका कॉम्बिनेशन इन 3 डिजिट से लिया जाएगा। 7 में कितने करें एड, 9 हो जाए तो 2, 3 में कितने करें तो 6, 5 में कितने करें कि 9 हो जाए तो 4। बस ये आंसर है अपन का, इसको 9 लिख दिया रंग से, ये अपन का आंसर आ गया। इसी तरह से देखिए एक और, एट फोर फाइव मल्टीप्लाई हो रहा 5 टाइम 9 से, 1 2 3 4 एंड 5 टाइम 9 से। देखिए कैसे सॉल्व करोगे इतनी बड़ी डिजिट का मल्टीप्लाई। घबराते थे ना आज तक, लेकिन आज के बाद घबराना नहीं है। और मुझे कब खुशी होगी, जब आप इस तरह करने लग जाओगे और कहीं मुझे पढ़ाते हुए मिलोगे, तब जाके आनंद आएगा, वास्तव में आपने सीखा है। देखिए 1 कम किया यहाँ पे, 5 की जगह 4 हो जाए। और देखिए यहाँ 3 डिजिट है और यहाँ देखिए 5 डिजिट है, तो यहाँ से 99 बच जाएगा, वो यहाँ लिख देंगे और फिर 3 डिजिट और आएंगे। देखिए यहाँ पे ये 99 बीच में उठा दीजिए, और 3 डिजिट ये है तो 3 डिजिट इनका हम अभी कर लेंगे। 8 में इन 3 डिजिट का इनके साथ लिंक बटाइए, इन तीनों के साथ। 8 में कितना ऐड करें कि 9 हो जाए तो 1, 4 में कितने तो 5, 4 में कितने कि 5। बस हो गया, मल्टीप्लाई किया है, ये इनका मल्टीप्लाई आएगा। विश्वास कम रखना, थोड़ा कैलकुलेटर से थोड़ा देख लेना कहीं गलत तो नहीं है, लेकिन संभावना शायद ही मिले आपको ऐसा मौका, ठीक है ना भाई। इसके बाद एक और करवा देता हूं, फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखिए, 38 एंड 65 मल्टीप्लाई करना है 5 टाइम 9 से, 1 2 3 4 5 लिखने में मौत आ रही है, तो मल्टीप्लाई करने में तो कितनी दिक्कत आएगी आपको पता ही है ना। अब देखिए इसमें से 1 लेस करके लिखिए तो 38 एंड 64, वेरी गुड, समझ आया। अब देखिए यहां 4 डिजिट है, यहां कितने डिजिट है, 5, तो 1 9 बचेगा, फिर 4 डिजिट लिख दीजिए। और कैसे लिखोगे वो देखिए, ये 4 डिजिट, समझो मेरी बात को, 4 डिजिट, 4 डिजिट में से कम करके लिखना है, ये लिख दिया। फिर यहां से देखिए ये 4 डिजिट का तो इसके साथ कॉम्बिनेशन बिठा देंगे, अभी ये 9 जो बचा हुआ है वो 20 में डालना होगा, समझ आ रही है, कंफ्यूजन दूर करना। बचा वाला जो 9 है ना 20 में डाल दीजिए, और इन 9 का कैसे खेल करोगे, देखिए 3 में क्या ऐड करें कि 9 हो जाए तो 6 लिखना होगा, 8 में करें 1 तो 9 बनता है, 6 में करें तो 3 एंड 4 में करें तो कितना 5, ये आंसर है। देखिए कितने कितने बड़े डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं साथियों, मेरे प्रिय मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों, जो भी अभिभावक देख रहे हैं, जो भी अपन के हम ऊपर के देख रहे हैं, उन सबको मैं एक साथ कहना चाहूंगा कि इस तरह का मल्टीप्लाई करना
यदि आपको आ जाता तो मैथमेटिक्स आपकी इतनी कैलकुलेशन तकड़ी होगी कि आने वाले टाइम में आपको मैथमेटिक्स पढ़ते समय नींद आनी बंद हो जाएगी, रात में भी। लोग कहते हैं कि मैथमेटिक्स पढ़ता नींद आती है, रात में नींद नहीं आएगी, दिन में क्या आएगी। तो इस तरह से कल हम इसके आगे वाला टॉपिक लेके आएंगे, तब तक मस्त रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।